प्रयागराज में जावेद पंप के घर बुलडोजर चलने के बाद अब कानपुर हिंसा में भी बड़ी कार्रवाई का प्लान तैयार किया जा रहा है। यहां कानपुर विकास प्राधिकरण यानी कि केडीए ने हिंसा के मुख्य आरोपी जफर हयात हाशमी की पत्नी सहीदा जफर के घर के बाहर एक नोटिस चस्पा किया है। सहीदा से 30 जून तक जवाब मांगा गया है कि नक्शे के विपरीत मकान बनाने पर उसे क्यों ना ध्वस्त कर दिया जाए। नोटिस में केडीए ने कहा है कि 14 जून को सूचना मिली है कि आपने काकादेव इलाके के हितकारी नगर में बिना स्वीकृति के अवैध रूप से मकान का निर्माण किया है। करीब 200 वर्ग गज के क्षेत्रफल में दो मंजिला मकान बनाया गया है। यहां हॉस्टल का संचालन भी किया जा रहा है। इस संबंध में 30 जून की दोपहर 12 बजे तक केडीए दफ्तर में हाजिर होकर लिखित में जवाब दाखिल करें। ये भी बताएं कि उक्त निर्माण को क्यों ना ध्वस्त किए जाने का आदेश पारित किया जाए। केडीए ने यह भी कहा है कि सहीदा खुद हाजिर होकर जवाब पेश कर सकती हैं या अपने किसी प्रतिनिधि को भेजकर जवाब दाखिल करवा सकती हैं। बिना स्वीकृति के निर्माण किए जाने पर 50,000 रुपए जुर्माने का प्रावधान है। इसके अलावा जरूरी होने पर 2,500 रुपए रोजाना के हिसाब से भी फाइन किया जा सकता है। आपको बता दें कि कानपुर हिंसा के मुख्य आरोपी हयात जफर हाशमी का काकादेव में पूर्वांचल बॉयज हॉस्टल चल रहा था। दो मंजिला हॉस्टल में 40 कमरे बताए जाते हैं। 3 जून को हुई हिंसा में नाम आने के बाद पुलिस ने इस हॉस्टल को चिन्हित किया था। वहीं अब तक की जांच में मुख्य साजिशकर्ता जफर हयात हाशमी के करीबियों का PFI से कनेक्शन बताया जा रहा है। CAA NRC में जफर का नाम आया था। हालांकि मामले की जाँच अभी चल रही है। कानपुर हिंसा की जांच में पुलिस जफर हयात हाशमी के घर से कुछ ऐसे दस्तावेज मिलने का दावा कर रही है जिसमें फंड इकट्ठा करने का तरीका बताया गया है। पुलिस को शक है कि जफर हयात हाशमी जानबूझकर PFI के सीधे संपर्क में नहीं था बल्कि दूसरे लोगों के जरिए वो फंडिंग इकट्ठा करने के तरीके सीख रहा था। वहीं इस काम में उसका साथ देने के आरोप में SIT ने मंगलवार को जफर की पत्नी से भी हिंसा के संबंध में पूछताछ की। जफर हयात हाशमी की पत्नी जोया हयात हाशमी कई व्हाट्सएप ग्रुप के सक्रिय सदस्य और कई ग्रुप की ग्रुप एडमिन हैं। इसमें कानपुर में बाजार बंदी कराने को लेकर चैट भी सामने आई है। कुछ चैट ऐसी भी मिली हैं जिसमें वो जफर हाशमी को चैट डिलीट करने की बात भी कह रही है। माना जा रहा है कि SIT पत्नी के खिलाफ सबूत इकट्ठा कर रही है और बड़े सबूत हाथ लगते ही गिरफ्तारी की जा सकती है। कानपुर से समर्थ श्रीवास्तव के साथ सिमर चावला की रिपोर्ट, UP तक।